अच्छा तो अगले राज के सामने उस तरह पर दोस्त जो पेशेंट जो मेरे कब हुआ गया था कि बॉडी बिल्डिंग के वास्ता इस तरह मतलब डिफरेंट कैसे स्टेजेस असता जो कि हमारा इधर ही कोशिश किया था कि यक माई पेश कैसे यक माई तक तो पेशर अब मामी डाइट अब फॉलो करें कि बॉडी गेन करेंगी वेट बढ़ाए नगी और मनी सवाल हमेशा था कि वेट पर्चा बढ़ाए नगी। खैर उसी बात को कंटिन्यू करेंगे कि आप बता रहे थे कि फिर एक महीना पहले हम जो है ना वो डाइट छोड़ देते हैं और फिर हम दूसरी डाइट कैसे स्टार्ट करते हैं। कटिंग डाइट पे आ जाते हैं। कटिंग डाइट पे फिर ये होता है कि सब कुछ बंद हो जाता है। अच्छा 24 घंटे में हमने सिर्फ एक बार खुराक लेनी होती है और पानी तकरीबन 10 दिन तक मतलब जब 10 दिन रह जाते हैं 20 दिन हमने पानी पीना है। फिर 10 दिन जब रह जाते हैं फिर उस 10 दिन के अंदर भी 24 घंटे के अंदर इतना पानी पीना है कि बस हम जिंदा रहें उस पानी से इतना पीना है। पानी भी बिल्कुल बंद कर देते हैं, खाना पीना सब कुछ बंद कर देते हैं। वो क्या होता है कि पानी जो है वो हमारे मांस को मांस मोटा रहता है, मांस के अंदर पानी होता है। जब मांस के अंदर पानी होता है तो आपके जो कटिंग होते हैं जो मसल्स होते हैं वो मसल्स ज़ाहिर नहीं होते, वो दिखते ही नहीं है। आप जब पानी कम करोगे तो आपके मांस के अंदर पानी कम हो जाता है, जब मांस के अंदर पानी कम हो जाता है तो नीचे से मसल्स बाहर आ जाते हैं, मसल्स दिखने लगते हैं क्योंकि हमने मसल्स दिखाने होते हैं कंपटीशन में। और फिर दूसरी बात ये जब हमारी खुराक हम बंद कर देते हैं वो इस वजह से बंद कर देते हैं जो फैट होता है जो हमारे जिस्म ने हमारी बॉडी ने ग्रोथ किया होता है उस ग्रोथ को ख़त्म करके इसलिए हम पहले बढ़ाते हैं। अब कुछ होते हैं जिनके बाइसेप्स बड़े होते हैं तो ट्राइसेप छोटे होते हैं, ट्राइसेप बड़े हैं तो फिंग्स छोटे हैं, मतलब इक्वल लाने के लिए। हाँ इक्वल लाने के लिए पूरी बिल्ड हम लोग एक बार साइज में ले आते हैं। जब देख लेते हैं कि हाँ यार अब प्रॉपर हो गया बिल्कुल सब कुछ सेटिंग में फिर उसको काटते हैं, फिर उसको काटते हैं उसको मुकाबले शेप देना एक तरह से शेप दे देते हैं। शेप देने के लिए फिर क्या करते हैं कि खुराक रोक देते हैं, पानी फिर 10 दिन के बाद फिर पानी मतलब ज़रूरत के मुताबिक पीना है, ज़्यादा नहीं पीना है। एक दो घूंट ले लिया थोड़ी सी मतलब जान आ गई जान में फिर नहीं पीना है और डबल एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। कुछ कुछ तो तीन दिन में तीन बार एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं सुबह के टाइम। सारा फोकस हमने एक्सरसाइज पे लगाना होता है, वो इसलिए लगाना होता है क्योंकि कंपटीशन में हर बंदा यही चाहता है कि यार कम से कम अगर टाइटल ना जीत सकूं तो कम से कम क्लास तो विन कर सकूं, और अगर क्लास भी विन ना करूं तो क्लास में सेकंड पे या थर्ड पे। कोशिश हर बंदा यही करता है कि मैं सबसे आगे निकलूं, और मेहनत हुआ निकलता वो बंदा है जिसने मेहनत किया होता है और मेहनत का फल जो है वो मीठा होता है। हर बंदा जो है वो मेहनत करे बकाया तो वो कहते हैं ना कि फल देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि यंग जनरेशन के भाई सिर्फ एक्सरसाइज सब कुछ नहीं है। मैं बार बार इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं जिम के अंदर ये चीज़ देख रहा हूँ कि यंग जनरेशन कुछ लड़के हैं 8 महीने 7 महीने साल से लगे हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं आ रहा, कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अच्छा अगर हम बताने जाए तो उनकी आँखें यहाँ से यहाँ आ जाते, भाई तुम कौन बताने हो। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं। तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज सब कुछ नहीं है, एंगल भी हैं और आपका डाइट प्लान भी है। डाइट प्लान आपको इंस्ट्रक्टर बताएगा, अगर आप इंस्ट्रक्टर के कहे हुए बातों पे आप चलेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा। और इंस्ट्रक्टर को क्या है, आप एक्सरसाइज अच्छा लगाओ या बुरा लगाओ उसके जेब से ना कुछ जा रहा है ना कुछ आ रहा है। अगर तुम जाओगे इंस्ट्रक्टर से पूछोगे कि यार मैं ये चीज़ लगा रहा हूँ आप ज़रा देखें आप ज़रा नज़र डालें मैं सही लगा रहा हूँ या गलत, तो उसमें फ़ायदा आपका है। बॉडी के मामलात में बहुत आपको केयर करना पड़ता है। आप ज़ाहिर है आप शेप दे रहे हो या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप वेट गेन कर रहे हो या लूज़ कर रहे हो, उसमें आपके पास आपका एक इंस्ट्रक्टर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हर क्लास में ही मौजूद क्यों ना हो, चाहे वो एक्सरसाइज में चाहे वो जिम में चाहे एरोबिक्स में चाहे योगा में, आप ऐसे ही डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते। बहुत से यहाँ इस मैसेज को देने का मकसद ये था कि हमने बहुत से लड़के और लड़कियों को देखा है वो यूट्यूब पे क्लासेस ले रहे हैं, एक्सरसाइज तक तो फिर भी समझ में आता है, हालांकि वो भी रिस्की है। एक्सरसाइज तक मैं दोबारा रिपीट करूँगी फिर भी समझ में आता है वो भी रिस्की है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी आपका इंस्ट्रक्चर खुदा ने ऐसे बनाया है, आप में पहले तो स्केलेटन आपकी हड्डियाँ
वो मायने रखती हैं। फिर उसके बाद आपकी बॉडी को आप जो मूव कर रहे होते हो, टर्न कर रहे होते हो, आप कैसे किसी को देख के जज करते हो कि जी उसकी तो बिल्कुल इलास्टिक जाना बॉडी है, हाँ। वो कैसे मूव कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं, वो प्रैक्टिस से और एक्सरसाइज से मूव कर रहे होते हैं। आप अगर डायरेक्ट उसका मूव अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा, आपके मसल्स को नुकसान होगा, आपकी वेन्स डिस्टर्ब होंगी, आपकी हड्डियों पर जोर आ सकता है। दूसरी बात ये कि हर इंसान की बॉडी एक जैसी नहीं होती, एक जैसे हर इंसान की बॉडी नहीं होती है। अब कुछ लड़के हैं वो वीडियोस देखते हैं तो जिम में आके वैसे एक्सरसाइज लगानी, भाई आप पहले ये चीज देखो कि उस बंदे की बॉडी देखो, वो किस है, उसका स्टैमिना आपको पहले बूस्ट उसका करना होता देखो है। उस बंदे का एज देखो, और वो जो चीज लगा रहे हैं आपने उससे पूछा है कि भाई आप खुराक क्या ले रहे हो, या नहीं बस वो जिस तरह एक्सरसाइज लगा रहे हैं मैंने वैसी एक्सरसाइज लगा रहे हैं। तमाम बातों को नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। मैं स्पेशली इस मामले में बिल्कुल रेफर नहीं करूँगी कि आप ऑनलाइन देखकर आप सीख जाओगे और आप उसी को फॉलो करें, क्योंकि आपके पास आपका लाइव इंस्ट्रक्टर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी हर एक प्रॉब्लम को उससे शेयर कर सकें। और आप इस फील्ड में आकर अगर बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और एक शेप देना चाहते हैं बॉडी को, तो इन तमाम बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मेरे प्रोग्राम का टाइम भी एंड को जा पहुँचा है, तो आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। बहुत शुक्रिया आपका इफ्रीज के आप आए हमारे प्रोग्राम में, और बहुत ही स्पेशली बॉडी बिल्डिंग के हवाले से और उसके अलावा सेहत के हवाले से तमाम बातें होपफुली लोगों को फ़ायदा देंगी। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया शेरियार आपका भी। होप करते हैं कि आप फर्दर अपने फील्ड में एज ए एक्टर इंशाल्लाह जाना फ्यूचर में एक बेहतरीन नाम कमाएं। और इख्तितामा के मराग सर्व तगल राजमा शुम हम मिनत गिरा परचा के शुम वहद में वसक बास अर्जिश दारी थे इश्म मेहर दोस्ती किश्म वहद कशे मरागिश चारिता मरागिश के हलासिया सरबुता मना कायनात फ़कीर मोहम्मद लगुमनी टीम में हमरा ये रजा भी दिया, और मरागिश मरा चूल गए फीड बेक हमारा भी दिए। तो हयाल बेदार अल्लाह मैार।